मित्रों, ऐसे मनुष्य जो बहुत कठिन कार्य करते हैं, शारीरिक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसी माताएं और बहनें जो ऑफिस में भी काम करती हैं और घर पर भी कठिन काम करती हैं, और ऐसे बच्चे छोटे जो स्कूलों में भी खूब खेलते हैं और घर पर भी बहुत उछल कूद करते हैं, उनके लिए मैं एक सीधा साधा सरल उपाय लेके आया हूँ। ये देख लें, ये है एक घड़े में माखन जिसको बटर बोलते हैं। तो सबसे अच्छा बटर जो है, मक्खन जो है, गाय का होता है, थोड़ा पीला होता है। और तो गाय का लें या भैंस का लें। और ये है मिश्री, ये मोटे दाने वाली मिश्री है। इससे भी अच्छी एक और होती है जो धागे वाली होती है, उसे लें चाहे इसे लें। तो ऐसे व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसी माताएं और बहनें जो बहुत कठिन काम करती हैं, उनके शरीर में शाम को सोते वक्त बहुत दर्द होता है, बहुत ही कराहते रहते हैं वो लोग, और माताएं बहनें भी कराहती रहती हैं, और ऐसे बच्चे भी जो स्कूल में भी खूब खेलते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं और घर पर भी खूब उछल कूद करते हैं, तो उनके लिए मैं सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। देखो, माताओं और बहनों के लिए, और जो पुरुष हैं, जो एडल्ट है, वयस्क हैं, उनके लिए कम से कम 50 से 60 ग्राम ये मक्खन लेना है, चाहे भैंस का लें चाहे गाय का, और मिश्री लें 20 ग्राम, दोनों को मिला लें और रोजाना किसी भी समय खाएं, एक दिन में एक बार। तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में जो बहुत दर्द होता था शरीर में, खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत उछल कूद करते हैं। तो मेरा भी एक नाती है, बहुत उछल कूद करता है, तो उसी के लिए मैं बना रहा हूं ये वीडियो। तो ये उनकी मात्रा बताता हूं, 20 ग्राम ये मक्खन गाय के या भैंस का, और 10 ग्राम के करीब मिश्री पीसी हुई मिला के रोजाना खिलाएं, तो 8-10 दिन के अंदर उनके दर्द होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, ये लंबे समय तक चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जो माताएं और बहनें और भाई बहुत शारीरिक काम करते हैं, वो लोग 50 से 60 ग्राम मक्खन और 20 से 25 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रयोग करें। एक लंबे समय तक करेंगे तो सारे रोग और शक्ति भी आएगी, और ये भयंकर से भयंकर दर्द बंद हो जाएगा। इसी तरह बच्चों को मक्खन 20 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम मिलाकर कुछ दिन करेंगे तो उनके हाथ पैरों में होने वाला दर्द ठीक हो जाएगा। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।